हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम 8 से 14 सितंबर तक मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, इससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 8 सितंबर। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और यह विश्व की साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इस सुधार के लिए सरकारों, सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। इससे जो है साक्षरता दर में सुधार की जा सकती है। और इस साल का जो साक्षरता जो दिवस है, इसका जो थीम है, साक्षरता और बहुभाषावाद जो है, ये थीम है इस साल के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के। हर एग्ज़ाम में थीम जरूर पूछा जाता, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर्चून टर्नर द क्वार्टेट दैट स्पून इंडिया टू ग्लोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो फॉर्चून टर्नर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ए एंड बी दोनों, यानी कि आदित्य भूषण और सचिन बजाज दोनों इस पुस्तक के जो है लेखक हैं। और यह पुस्तक जो है भारत के चार स्पिनर, जो लीजेंड स्पिनर है, जैसे विशन सिंह बेदी, ईरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर और एस वेंकट राघवन, इनके जीवन के ऊपर ये आधारित एक पुस्तक है, जिनको लिखा है आदित्य भूषण और सचिन बजाज ने। अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बने हैं? तो 100 विकेट लेने वाला कौन गेंदबाज बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, लसित मलिंगा। लसित मलिंगा जो है 100 विकेट लेने वाले पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज बन गए हैं। और इन्होंने इस कारनामे के साथ साथ इन्होंने एक हैट्रिक भी लिया, जिसमें 4 बल्लेबाजों को लगातार 4 गेंदों में आउट किया। और T20 क्रिकेट में इन्होंने 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज भी बने हैं। और लसित मलिंगा वसीम अकरम को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाला रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। और अब तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 5 हैट्रिक ले लिए हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं, यह लसित मलिंगा जिन्होंने ये कारनामा अपने ये जो है रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रेस ट्रस्ट यानी कि PTI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, विजय कुमार चोपड़ा, जिन्हें PTI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इससे पहले विजय कुमार चोपड़ा पंजाब केसरी के अखबार के मुख्य संपादक और BCCL के MD के रूप में, टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशक के रूप में उन्हें कार्य कर चुके हैं। और PTI के उपाध्यक्ष के रूप में विनीत जैन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 2019 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो सिलीनेक्स किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका। देखिए, इस सिलीनेक्स इस शब्द में ही ये आंसर छुपा है, SLN की श्रीलंका और INN की इंडिया और EXN की एक्सरसाइज। तो सिलीनेक्स इसी से आप याद रख सकते हैं, SLN की श्रीलंका, INN इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज यानी कि युद्धाभ्यास हर साल किया जाता है, समुद्री अभ्यास, ठीक है। ये जो है 7 सितंबर 2019 को जो है विशाखापट्टनम की आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी। और इसका जो मेन उद्देश्य होगा, दोनों देशों के सह संचालन को बढ़ावा देने के लिए और दोनों नौसेना के बीच आपसी विश्वास और अंतर संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है ये अभ्यास किया जाएगा। और भारतीय नौसेना का दिवस है चार दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अभी भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर जो है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का 68वां पूर्ण सत्र किस स्थान पर शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी पे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो है पूर्ण सत्र की शुरुआत की गई है। और इस आयोजन से उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। और इसके दौरान विभिन्न विकास संबंधी मुद्दों पर विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकार की प्रस्तुतियाँ होंगी, जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, SCO का सैन्य चिकित्सा पर पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, दिल्ली। तो दिल्ली में SCO का, SCO यानी कि
संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका सैन्य चिकित्सा का पहला सम्मेलन जो कहाँ पर आयोजित किया गया, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसकी स्थापना होती है 1966 में इसकी स्थापना की थी और 2017 में इंडिया जो है इसका पार्ट बना था। और इस जो ये सम्मेलन हुआ अभी इसका जो मेन उद्देश्य है सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और क्षमताओं का निर्माण करना और आम चुनौतियों को जो है पार करना इस सम्मेलन का जो है मेन उद्देश्य है। दिल्ली की बात करें दिल्ली के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची मैराथन लद्दाख मैराथन कहां पर आयोजित किया गया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी लेह। लेह में विश्व की सबसे ऊंची मैराथन लद्दाख मैराथन का आयोजन किया गया लेह में और यह 8वां संस्करण है और यह समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित की जाती है और इस मैराथन में 42 किलोमीटर की फुल मैराथन, 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन और 7 किलोमीटर की लंबी रन फॉर फन ये सारी एक्टिविटीज़ में शामिल थी और इसमें टोटल मिला के 25 देशों की 6,000 से अधिक धावकों ने लद्दाख मैराथन में अपना पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है 2019 में दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो दिलीप ट्रॉफी का खिताब 2019 में किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए इंडिया रेड। इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को हरा कर यह खिताब अपने नाम कर लिया है और इस खेल में 153 रन बनाने वाले अभिमन्यु को जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। अगला क्वेश्चन है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 किसने जीता है, तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, चार्ल्स लेक्लर्क ने जो है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है और यह आयोजन इटली में किया गया था, इटली के ऑटोड्रोमो नाजी योलेन मांजा ट्रैक पर इसका आयोजन किया गया था और इस आयोजन में वॉल्टरी बोटास और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी वकील। तो राम जेठमलानी एक बहुत ही प्रसिद्ध और इंडिया के सबसे बेहतरीन वकीलों में से एक थे और एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे और 6 बार उन्होंने राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे और बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन महिला एकल खिताब 2019 किसने जीता, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए बियांका एंड्रीस्क्यू जो कि कनाडा की एक 19 वर्षीय खिलाड़ी है जिन्होंने पहली बार ये ग्रैंड स्लैम जीता है और यह ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली कनाडाई एकल खिलाड़ी बन गई है, पहली एकल महिला बन गई है और बियांका ने सरना विलियम्स को फाइनल में हरा कर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। और पुरुष वर्ग में यूएस ओपन के पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है किसने महिलाओं की सबसे तेज हाफ मैराथन को पूरा किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए ब्रिगेट कोसेगी जिन्होंने सबसे तेज हाफ मैराथन को जीतकर अपने नाम ये हाफ मैराथन का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 1 घंटे 44 मिनट और 28 सेकेंड के समय लगाकर ग्रेट नॉर्थ रन में ये जीत दर्ज की है जिसका नाम याद रखेंगे ब्रिगेड कोसेंगी जो कि केनिया के एक खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया, आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। इस आयोजन में चिकित्सा निकासी में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की भूमिका पर बात करने के लिए भारतीय वायुसेना को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया और इसका जो आयोजन किया गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया और अभी वर्तमान में हमारा नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हमारा अभी नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया और ये जो है अनिल भंसाली का जगह लेंगे जिन्होंने 6 साल तक इस पद पर बने रहे और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO है सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 10 सितंबर को जो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। और इसको कौन मनाता है? IASP द्वारा हर साल ये मनाया जाता है। IASP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, और इसके सह प्रयोजक है WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन उद्देश्य है आत्महत्या को रोकने के लिए दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है। और इसको याद रखेंगे 10 सितंबर है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अगला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का 22वां सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जेनेवा। तो जेनेवा में विकलांग व्यक्तियों पर आधारित जो है एक 22वां सत्र आयोजित किया गया है जेनेवा में, और इसको संयुक्त राष्ट्र के CRPD समिति ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और इन्होंने जो है इस सत्र के दौरान भारत की पहली रिपोर्ट पर भी इन्होंने विचार किया है। याद रखेंगे जेनेवा में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 40वें सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सरला पुरस्कार यानी कि 40वें सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए, प्रदीप दास। प्रदीप दास को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये उड़ीसा के एक लेखक है जिनको ये पुरस्कार दिया गया, और उनकी कविता चारु चिबर ओ ओझा इस पुस्तक इसके लिए इस कविता के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। और इस पुरस्कार के अंतर्गत उनको 5,00,000 रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और इसको कौन हर साल ऑर्गेनाइज करता है, कौन ये सरला पुरस्कार देता है? इसको देते हैं इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा साहित्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, विक्रमनाथ को गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। और इससे पहले ये वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। अगर बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई, जो कि 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रॉयल सोसाइटी सम्मान किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, यूसुफ हामिद। यूसुफ हामिद को ये पुरस्कार दिया गया, और ये सिप्ला के अध्यक्ष है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के लिए उनको ये रॉयल सोसाइटी सम्मान दिया गया है। और रॉयल सोसाइटी क्या है? ये UK और कॉमनवेल्थ की एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अकादमी है जो विज्ञान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये अवार्ड दिया इनके द्वारा रॉयल सोसाइटी के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, केरल। तो केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। तो महिला व्यापार केंद्र ये महिलाओं के लिए घर से दूर एक सुरक्षित स्थान के रूप में साबित होगी, और जहां पर ये अपनी उद्यमशीलता को उपयोग करके और अपनी व्यवसाय का विस्तार करने और अपने उत्पादों का विश्व स्तर पर लाने के लिए जो है इस केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम में फेम से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पवन मुंजाल। पवन मुंजाल को एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। और इनको ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने गोल्फ के क्षेत्र में अपने समर्थन के लिए एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया। और दुनिया भर में इन्होंने भारत और दुनिया भर में जो है गोल्फ के लिए इन्होंने बहुत ही अपना समर्थन दिया। और पवन कुमार मुंजाल जो है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ हीरो मोटोकॉर्प है अभी। अगला क्वेश्चन है, थेरेसा मे द्वारा नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड का सम्मान किसको दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए और बी दोनों, यानी कि आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, जेफरी बायकॉट और एंड्रयू स्ट्रॉस को दोनों को जो है नाइटहुड सम्मान से सम्मान दिया गया है। और ये दोनों इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर है जिन्होंने इंग्लैंड के लिए अपने करियर के टाइम पे इन्होंने बहुत ही योगदान दिया, और उनकी इन सेवाओं के लिए जो है ये अवार्ड उनको दिया गया है। 24वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस किस स्थान पर शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अबू धाबी। अबू धाबी में 24वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस की स्थापना
ऊर्जा कांग्रेस जो है यहाँ पर शुरू की गई है, और इसका जो मेन थीम था एनर्जी फॉर प्रॉस्पर्टी। इस कांग्रेस यानी कि सम्मेलन का जो मेन थीम था एनर्जी फॉर प्रॉस्पर्टी, और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी स्टेक होल्डर को शामिल करना, जिसमें सरकारें, निजी और राज्य निगम, ये सारे लोग एक साथ आकर काम करेंगे और जो है ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय काम करने के लिए ये इस कांग्रेस का, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की, ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहान ने इससे जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा किस समिति की मान्यता रद्द कर दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पैरा ओलंपिक समिति। तो पैरा ओलंपिक समिति की मान्यता रद्द कर दी है भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा। और ऐसा क्यों किया, इन्होंने राष्ट्रीय खेल की जो संहिता है उसका उल्लंघन किया, और उल्लंघन कैसे किया, उन्होंने अपने निर्वाचित अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह को हटाकर अपने जो राष्ट्रीय खेल संहिता है उसका उल्लंघन किया। इसके लिए पैरालंपिक समिति को इसकी मान्यता रद्द कर दी है। और अभी वर्तमान में हमारे खेल मंत्री है किरण रिजिजू, इसके वर्तमान में हमारे खेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, सावरकर इकोस फ्रॉम दी फॉरगटन पास्ट 1883 टू 1924 पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, विक्रम संपत, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और यह पुस्तक वीर सावरकर जो कि एक स्वतंत्र सेनानी थे, तो उनके जीवन और दार्शनिक विनायक दामोदर सावरकर, इन दोनों के जीवन का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आंगन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन किया गया, और इसका मेन उद्देश्य है ऊर्जा कुशल वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के डिज़ाइन निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न वैकल्पिक विकल्पों और प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और उसका फुल फॉर्म है ऑगमेंटिक नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, इसका फुल फॉर्म है। और इसका मेन उद्देश्य है डिज़ाइनिंग और निर्माण के क्षेत्र में अलग अलग जो है विकल्पों पर चर्चा करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बी, पी के मिश्रा जो है नृपेंद्र मिश्रा का जगह लेंगे। और ये 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात कैडर के अधिकारी है, और 2014 में ये अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल की सीमाओं पर इसका परीक्षण किया गया है। और इसके सफलतापूर्वक परीक्षण की ये तीसरी श्रृंखला है, और इससे पहले जो है इसके अंदर अत्यधिक एवियोनिक्स के साथ साथ अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर भी इसमें शामिल है इस परीक्षण के अंतर्गत। तो इसको परीक्षण से सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में स्कॉर्पिन श्रेणी के दूसरे किस पनडुब्बी का कमीशन किया गया है, तो भारतीय नौसेना में स्कॉर्पिन श्रेणी के दूसरी कौन से पनडुब्बी को अभी कमीशन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, INS खंडेरी। और इससे पहले जो ये हमने बात किया दूसरी पनडुब्बी, तो पहली पनडुब्बी कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा INS कलवरी। तो INS कलवरी पहली पनडुब्बी थी जिसको कमीशन किया गया, और अब दूसरी INS खंडेरी जिसको ये कमीशन किया गया भारतीय नौसेना में। और इसका जो निर्माण किया गया डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी के निर्माण के मुंबई के मजगन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और पहली पहली इस श्रेणी की जो पहली पनडुब्बी थी INS कलवरी जो 2017 में भारतीय नौसेना में इसका कमीशन किया गया था। और अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और नौसेना के अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, नवदीप सिंह सूरी, जिनको फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह यूए की दूसरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह उनके कार्यकाल में भारत और यूए के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास और सहयोग में योगदान के लिए इनको ये अवार्ड ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, द ऑर्डर ऑफ जायद। अगला क्वेश्चन है, नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, काठमांडू। तो काठमांडू में नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया है, और यह वैश्विक और क्षेत्रीय रुझानों पर केंद्रित है, और जिसमें जलवायु परिवर्तन और स्थानीय संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता और बुनियादी ढांचे के मुद्दे सीमा पर आर्थिक सहयोग और निवेश के आधार पर ये सारी चीज़ वेस है, इसमें ये सारी चीज़ इसमें शामिल होंगी। और इसका जो मेन थीम है रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका थीम है। देखिए कोई भी सम्मेलन होता है उसमें थीम जरूर याद रखेंगे, और इसका थीम है रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका थीम है। और अगर बात करें नेपाल की, तो इसके प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, और यहाँ की राजधानी है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए इससे पहले हमने बात किए थे सचिव के बारे में, अभी सलाहकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पीके सिन्हा। और पीके मिश्रा को इसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, प्रधान सचिव के रूप में, और पीके जो सिन्हा है इनको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और पीके सिन्हा पूर्व कैबिनेट सचिव और उत्तर प्रदेश कैडर के एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, और इससे पहले 1 जून 2015 को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कैबिनेट सचिवालय में ये शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो पहला कौन से एशियाई देश है जो सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, थाईलैंड। तो थाईलैंड ने सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण अभी किया है, और थाईलैंड धूम्रपान को कम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों का पालन किया है, और इससे पहले 2012 में रंगीन ब्रांड के लोगों के साथ बिना तंबाकू के उत्पादों को बेचने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना था। और अगर बात करें हम थाईलैंड की, तो थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, और यहाँ की मुद्रा है बहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए कौन सी बीमा योजनाएँ शुरू की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि मुख्यमंत्री व्यापार सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी छत्रीपति बीमा योजना। तो ये दोनों योजना अभी हरियाणा सरकार ने शुरू की है, और पहले बीमा योजना यानी कि प्रधानमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना, इसके तहत 5 लाख की बीमा कवर होगी, और जो दूसरी योजना है उसके तहत 5 लाख से 25 लाख की बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, और इसका जो प्रीमियम है राज्य सरकार द्वारा इसका प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। अगर बात करें हरियाणा की, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, वियतनाम। तो वियतनाम ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया है, और इस फार्म से हर साल 688 मिलियन किलोवाट बिजली उत्पादन की जा सकती है, और यह परिसर वियतनाम की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दाऊ तियांग जलाशय पर किया गया है, और जो कि ताई निय प्रांत में स्थित है, जिसमें जो 540 हेक्टेयर में ये फैला होगा। वियतनाम की अगर बात करें, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है ग्वेन फू ट्रोंग, और कैपिटल है हनोई, और यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग। तो इस क्वेश्चन से आप इतनी चीज़ याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर पसंद नहीं है तो प्लीज़ डिसलाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें अपने वीडियो को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो पहले नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरे नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरे नंबर पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो
ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें जो है ये तीन यूनिवर्सिटी है जो सर्वश्रेष्ठ स्थान इनको प्राप्त हुआ है, 1, 2 और 3। अब इसमें देखेंगे कि जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार दुनिया के नंबर वन विश्वविद्यालय रही है और इस रैंकिंग में इस सूची में इंडिया की जो 56 संस्थाएं हैं जो यूनिवर्सिटी है उसमें IIT रोपड़ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इनको प्रथम स्थान मिला है भारत के विद्यालयों में। और इसको जारी कौन करता है, यह यूके आधारित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा इसको हर साल प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किस हवाई चेतावनी विमान को वायुसेना को सौंपा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो DRDO ने नेत्रा नाम के हवाई चेतावनी विमान को वायुसेना को सौंप दिया है और यह नेत्रा एक एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान है जो हवाई समुद्री सतह के लक्ष्यों की निगरानी और ट्रैकिंग पहचान और वर्गीकरण के लिए उपयोगी है और आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल से होने वाले जो खतरा है उसका भी पता लगाएगी। अगर बात करें DRDO की तो इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2019 किन देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में अभ्यास मैत्री आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन मेघालय में 16 से 29 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा और इसका मेन उद्देश्य है दोनों देशों के बीच में विभिन्न आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करेंगे और इससे जो है दोनों देश को जो है आतंकवाद के से लड़ने के लिए जो है इनको एक अलग अनुभव मिलेगा। और इस अभ्यास ये एक वार्षिक परीक्षण है जिसमें हर साल जो है इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, इसका नाम है मैत्री। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्हाइट वॉल क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मेगन सुट्टी, जो कि व्हाइट वॉल से क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी हैं और ये भारत के खिलाफ T20 में अपनी पहली हैट्रिक ली थी इन्होंने और ये दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं मेगन सुट्टी, तो इनका नाम याद रखेंगे, जो कि 2 हैट्रिक लेने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस ग्रह के वातावरण में पानी पाया गया है, तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वातावरण में पानी पाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोप्लैनेट K2-18b जिसके वातावरण में पानी पाया गया है और ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर जियोवाना के अनुसार उन्होंने भी बताया कि K2-18b जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है और इसके जो सौरमंडल के बाहर एक ऐसे तारे की परिक्रमा करने वाला एकमात्र ग्रह है एक्सोप्लैनेट जिस पर पानी और तापमान दोनों पाया गया है जो संभावित रूप से रहने योग्य हो सकता है। तो ये लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर जियोवाना ने ये अनाउंसमेंट किया है, ये प्रकाशित किया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को ग्लोबल एंटी माइक्रोवियल रेजिस्टेंस रिसर्च यानी कि AMR और डेवलपमेंट हब में शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इंडिया। तो इंडिया को इसमें शामिल किया गया है और इससे क्या होगा कि इंडिया जो है भागीदार जो देश है इसमें उसकी मौजूदा क्षमताओं और जो अनुसंधान है उस पर ध्यान केंद्रित करके लाभ प्राप्त करेगा और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के स्वयं को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वायरस इन पे एंटी माइक्रोबियल दबाव के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकास करना जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट कहते हैं और इसमें जो है अभी भारत को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण के कितने केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 12,500 केंद्र की जो है लक्ष्य रखा है और 2019 में 4,000 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो आयुष मंत्रालय ने 12,500 केंद्र की स्थापना करने के लिए लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जन सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान ने जन सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च किया है और यह
पोर्टल जनता को सरकारी प्राधिकरणों और विभागों के बारे में जानकारी प्रदान के लिए लॉन्च की गई है, और ये पोर्टल आरटीआई अधिनियम की धारा 4.2 का अनुपालन करेगी और इससे जो है लोगों को बहुत फ़ायदा होंगे। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किसे राय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में है उसका चांसलर नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कपिल देव। तो कपिल देव को राय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया है, और ये हरियाणा विधानसभा ने हाल ही में राय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इसका स्थापना की थी, और इसका चांसलर अभी बनाया है कपिल देव। और कपिल देव 1983 के विश्व कप विजेता टीम के कैप्टन भी रह चुके थे, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर बात करें हरियाणा की, तो इसके मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और नई दिल्ली में इस बार इसका आयोजन किया गया, और हिंदी परिषद द्वारा इसका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के द्वारा इसका आयोजन किया गया, और इसमें मॉरिशस, उज्बेकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सहित 6 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, एंड्रयू स्ट्रॉस को जो है इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और स्ट्रॉस इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट के सभी स्तरों की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि खेल के केंद्र में पेशेवर खेल संपन्न हो। स्ट्रॉस के एंड्रयू स्ट्रॉस के बारे में आप बता दें, इंग्लैंड के 100 टेस्ट खेले हैं इन्होंने, और जिसमें 40.91 की एवरेज से इन्होंने 7000 से ज़्यादा रन बनाए, और इनकी जब खेल रहे थे तब ये अपने टीम के लिए दो एशेज श्रृंखला में भी जीत दर्ज कराई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक पूरे भारत में मिनी और मेगा फूड पार्क के लिए कितने करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 3000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है, और यह 15वें भारत और अमेरिका आर्थिक सम्मेलन के दौरान जो खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री है उन्होंने ये घोषणा की है कि जो है विश्व बैंक इंडिया को 3000 करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की है। और विश्व बैंक के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएस में, इसका मुख्यालय है विश्व बैंक का। और अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री है रामेश्वर तेली। अगला क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय ने हरित पहलों के मूल्यांकन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, भारतीय उद्योग परिसंघ इनके सी आई का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और जिन्होंने विभिन्न चरणों का मूल्यांकन करने और उन्हें रेट करने के लिए एक ग्रीनको रेटिंग प्रणाली विकसित किया है। और वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल, और भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पांच भारतीय महिला पुलिस अधिकारी को किसके द्वारा दक्षिण सूडान के मिशन के लिए सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय 5 महिला पुलिस अधिकारी को सूडान में विश्व निकाय के मिशन में उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए उनको ये सम्मान दिया है। और अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वीकली सेकंड वीक का करंट अफेयर्स, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।